बॉय के सामने ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक दिन में कितना ज्यादा प्लास्टिक फ्री और कितना ज्यादा पॉल्यूशन फ्री और कितना ज्यादा साफ हो जाएगा। बराबर ना लद्दाख ट्रिप में जा रहे हैं हम लोग, देख लो बॉयो में घुसते ही देख रहे हो। मॉर्निंग गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर ब्लॉग। तो गाइस, आज ना घर के सामने भाई लोग इंडिपेंडेंस डे का फ्लैग होस्टिंग में करने वाले हैं, तो वहाँ पे जाने वाले हैं। अभी आगे मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में शायद वो लोग फ्लैग होस्ट करने वाले। कल हम लोग का बात नहीं हुआ तो पता नहीं था, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया। पहले वहाँ चलते हैं, फिर भाई लोगों का यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे भी भाई लोग फ्लैग होस्ट कर रहे हैं, तो पहले मंदिर का वहाँ पे चलते हैं। और गाइस, हम लोग मंदिर का वहाँ से बाद में मतलब एक छोटा सा राइड के साथ कुछ प्लान किए हैं, तो बस देखते रहो। होप सभी को अच्छा लगेगा। मैं एकदम सच में बता रहा हूँ, इस वीडियो को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का चैनल को एकदम ज़रूरत नहीं है। बस हो सके तो थोड़ा सा शेयर कर देना ताकि लोगों तक पहुँचे और नेक्स्ट ईयर ये आइडिया कुछ लोग और भी ट्राई करें। तो पहले मंदिर का वहाँ पे चलते हैं, ठीक है? भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये जो पानी ले गया है, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल पानी। कुछ भी ओ, देख रहे हो, बहुत दिन बाद इंडिपेंडेंस डे का चॉकलेट मिला। अच्छा तो गाइस, एक्चुअली क्या हुआ ना, अभी हम लोग का 15 अगस्त की वजह से भैया ने एक छोटा क्या खेल कबड्डी खेल दिया है। कबड्डी खेल का आयोजन किया है, शायद यहाँ पे होने वाला है। कितने बजे होगा? 3 बजे। 3 बजे तो एक काम करते हैं, हम लोग भी थोड़ा एक काम में जाने वाले हैं, तो उस काम से आके हम लोग भी खेला का यहाँ पे ज्वाइन तो नहीं करने वाले, सब लोग के साथ खेला एंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, आइएगा। आओ भैया, थैंक यू सो मच, 15 अगस्त के दिन में आपने ये खेल ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए धन्यवाद है। और क्या बोलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, वहाँ पे भी राइड में भी चलते हैं, थोड़ा काम है। और तब तक यहाँ पे थोड़ा प्रिपरेशन होगा, देख रहे हो अभी कितना खाली है, बाद में फुल ऑन भर जाएगा, तो मिलते हैं बाद में आपसे। तो गाइस, एक्चुअली में ना घर के सामने कुछ भाई लोग हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एक्चुअली में भाई लोग जो है ना बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, क्योंकि मैं पूरा एरिया में ऑनेस्टली बताऊँ, किसी से इतना मोटिवेट नहीं होता जितना भाई लोग से मोटिवेट होता हूँ। क्योंकि आजकल के जितने यूथ है ना, वो क्या हो गए, सब मोबाइल एंड ऑल पे बिजी रहते हैं, बट भाई लोग देख रहे हो, भाई लोग हर एक्टिविटी में आगे रहता है, बहुत बहुत ज़्यादा ऑसम है। एंड भाई लोग सच में बहुत अच्छे काम करते हो तुम लोग। तो गाइस, इन लोगों ने फ्लैग होस्ट किया था, मैं मतलब नहाने गया था, मैं जल्दी से जल्दी आ भी गया था इन लोगों का फ्लैग होस्टिंग के लिए, बट नहाते वक्त उन लोगों ने फ्लैग होस्ट कर दी ऑलरेडी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो गाइस, अभी वहाँ पे रेल गेट बंद है, तो हम लोग यहाँ पे सब लोग रुके हुए हैं। एक्चुअली में आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं मुआयो का इंडिपेंडेंस डे में लुक भी कैसा होता है, और एक छोटा सा आइडिया भी यूज कर रहे हैं, तो देखते हैं आइडिया भी अच्छे से काम कर जाए। तो रेलवे गेट जाने के बाद हम लोग भी निकल जाएंगे, एंड मुआयो का सबसे मस्त लुक इंडिपेंडेंस डे का आपको दिखाने वाले हैं। भारत माता की जय। तो गाइस, हम लोग अभी फाइनली आ गए हैं आई लव बॉयो के सामने, देख रहे हो।
अंदर चलते हैं। एक्चुअली में क्या हुआ ना, हमारा काम का पहला स्टार्ट हो गया है, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है, वही काम हम लोग करने वाले हैं, प्लगिंग करने वाले हैं हम लोग आज सोचा है। तो अभी चलते हैं आई लव बोंगाई के अंदर में। गाइस देखो, हम लोग को और एक बोतल मिल गया आई लव बोंगाई में घुसते ही, देख रहे हो ये रहा। और एक तो लेने का क्या मस्त पॉइंट बनाया ना, खतरनाक। तो हम लोग भी यहाँ पे फोटो शोटो क्लिक करते हैं। हाँ भाई देखो, फोटो खींचने के लिए बैठ भी गया। देखो पूरा लग रहा है ना लद्दाख ट्रिप मेरे। तो गाइस भैया लोगों ने हमारा ग्रुप फोटो खींच के दिया, थैंक यू भैया, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। देख रहे हो बहुत सारा डस्टबिन है और सब यहाँ पे यूज करने के लिए। तो गाइस प्लीज जो भी आ रहे हो ऐसे गंदा मत करो, डस्टबिन सबका यूज करो। बहुत सारा कचरा उठा उठा के मैंने डस्टबिन में जस्ट फेंका है। यहाँ पे इतना कचरा होने की वजह से मतलब मछली लोग भी मर जा रहे हैं। दिस इज फकिंग बैड। ये देखो कहाँ पे रखा हुआ है, वो भी फटाके। ओ भाई आई लव बोंगाई के सामने, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई लव बोंगाई से आगे चलते हैं हम लोग, फ्लाईओवर में भी घूमने जाएंगे और गांधी मैदान का इधर भी जाना है। तो आई लव बोंगाई से चलते हैं अभी हम लोग। गाइस देखो यहाँ पे और एक मिल गया पार्क के सामने, यहाँ पे सुनील को भी और एक मिल गया, यहाँ पे एक मिल गया, यहाँ पे भी एक मिल गया। ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा दूर पे आपको ऐसा मिल जाएगा। वैसे रोक क्यों दे रहे बोल के, देख रहे हो भाई करो और मिल गया। देखो देख रहे हो, एक दो बाय बाय। और भी है, देखो भैया और एक। ये देखो और एक। अब इन सबको एटलीस्ट यहाँ पे नहीं फेंकना चाहिए। फाइनली अभी हम लोग गांधी मैदान के यहाँ पे पहुंच चुके हैं, बट गांधी मैदान तो अभी खाली है। इस बार पूरा ढाक दिया गांधी मैदान को, खाली भी है। इतना बोतल है, डस्टबिन पूरा खाली है, देख रहे हो डस्टबिन खाली रहता है, रास्ता में बोतल भरा हुआ रहता है। ये देखो और एक मिल गया, देख रहे हो देखो गाइस, इसको और एक बोतल मिल गया। अभी जस्ट जाने के टाइम में नहीं था। बहुत सारा गिरा हुआ है, एक तो एकदम खतरनाक से प्लास्टिक लाना पड़ेगा। लेके आते हैं, ठीक है, छोड़ दिया, लेके आते हैं। ये प्लास्टिक का बोतल चाहिए। लोग रुके एंड यहाँ पे भी हमें एक मिल गया। भाई बहुत सारा हो गया ना, बहुत सारा हो गया, देखो बहुत सारा। एक्चुअली में क्या था ना गाइस, ये एक एक्सपेरिमेंटल ब्लॉग था। मतलब हम लोग क्या किए, बोंगाईओं में बहुत सारे जगह में गए, मतलब हम लोग कहीं पे रुके नहीं थे, ये कोई राइड और रैली नहीं था हमारा, मतलब हम लोग जस्ट निकले थे
एंड हम लोग से जितना हुआ हम लोगों ने प्लगिंग किया, जितना बोटल्स हुआ हम लोगों ने एक मतलब बैग में इन सब बोटल्स को रखा, और ये बोटल्स का भी एक यूज हो जाएगा, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, ये भी वीडियो जरूर आएगा, मैं इनको ऐसे नहीं फेंकने वाला। और क्या है ना, जैसे राइड में और रैली में बहुत लोग जाते हैं, बहुत ही ज्यादा लोग जाते हैं, उनमें से अगर कोई नहीं एटलीस्ट 2 से 3 बंदे भी अगर हर ग्रुप का ये ट्राई करे, तो आप सोच ही सकते हैं इंडिया एक दिन में कितना ज्यादा प्लास्टिक फ्री और कितना ज्यादा पॉल्यूशन फ्री और कितना ज्यादा साफ हो जाएगा। तो गाइस प्लीज एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो ये वाला आप ट्राई कीजिए, ये करने का ट्राई कीजिए। तो गाइस इसके अंदर ही अभी आज का हम लोग का कलेक्शन, आज का हम लोग का प्लगिंग का चीज, वैसा हम लोगों ने पहली बार ट्राई किया और हम लोगों ने कुछ लोगों ने ट्राई किया, होप सो आप लोगों का शेयर की वजह से नेक्स्ट ईयर बहुत कोई ट्राई करे। तो देखिए अब कितना सारा है, देखो इतना सारा कलेक्ट हो गया। वैसे हमने जो ट्राई किया वैसे हर ग्रुप, हर रैली वाले, हर राइड वाले अगर निकल के ट्राई करे तो एक दिन में कितना सारा सफाई हो जाएगा। तो गाइस अब सब लोग घूम घूम के आ गए, अभी घर जा रहे हैं, शाम को वहाँ पे खेला है, खेला के वहाँ पे भी आएंगे, भांजी का भी बर्थडे है, भांजी का बर्थडे में भी जाना है, भैया लोग अभी सब लोग चिल करने वाले हैं, भैया लोग का पार्टी है, इंडिपेंडेंस डे पार्टी, समझ रहे हो। तो जल्दी जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, कबड्डी खेलना देखने आते हैं, फिर शाम को पुमायों का लाइट भी देखने जाएंगे, भांजी का बर्थडे में भी जाएंगे, बस आप लोग बने रहो, बस देखते रहो। 6 months later एक्चुअली में क्या बना, अभी हम लोग कबड्डी देखने के लिए आ तो गए थे, लेकिन कबड्डी इधर से अभी उधर शिफ्ट हो गया। गाइस इससे पहले एक खतरनाक चीज दिखाता हूँ, देखो वहां पे कौन सोया हुआ है, देख रहे हो, और ये देखो हाथ में क्या है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया इंडियन नंबर वन गाहुरी, क्या है, पिक पिक, इंडियन नंबर वन पिक पिक पिक, गाहुरी हम लोग का, नो 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 नो, कबड्डी का क्रेज देख रहे हो उधर, क्या कबड्डी खेला हो रहे इधर, खतरनाक। लाल बाहर मत जाना, अंदर मत जाना, बाहर से आराम से, आराम से, आराम, बाहर मत जाओ, आराम से, बोरे बोरे। तो भाई निकलेगा क्या, ले नहीं रहा है कोई भी, क्या करेगा यार, गजब बेइज्जती है हम लोगों का। ओ पकड़ भाई पकड़। तो गाइस यहाँ पे कबड्डी खेला होने दीजिए, हम लोग अभी चलते हैं, एक्चुअली में भागिनी का बर्थडे भी है, भागिनी का बर्थडे में भी जाना है, जाए भागिनी बर्थडे ऐसे, भागिनी बर्थडे में जाना है, ठीक है। हाँ तो गाइस अभी चलते हैं, मतलब भागिनी के लिए थोड़ा कुछ लेना भी है, फिर जल्दी से जल्दी उसके बर्थडे में जाके उससे मिलते हैं, उसे बर्थडे विश भी कर लेते हैं, आप लोग भी बने रहो, बस देखते रहो। 1 hour later उसके लिए एक्चुअली मैं सेलिब्रेशन ले लिया, मतलब हम लोग लेने तो गए थे कुछ और, लेकिन पूरा देख रहे हो सब बंद है, हमें कुछ भी नहीं मिला, तो हम लोगों ने सेलिब्रेशन ले लिया, अभी डायरेक्ट चलते हैं उसके घर में। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, गिफ्ट लुआ, गिफ्ट लुआ, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। ओह माय गॉड, वाओ, কোন তুমি অলপমান অলপমান হ্যাপি বার্থডে। তো গাইস আমি প্রসাদ খাতে, প্রসাদ লেকে আয়ে ও ও বেশি তু কে ও ইনা গায়েব হো গয়া, আরে কে লাগা কাম মে তো বিজি রেনা পড়তা হ্যায় দে 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 তো বলে পুরা দুখু কো ডিপ্রেশন ডিপ্রেশন মে ঘুস গয়া, কোনসা দুখু মে ঘুস গয়া, কে আবি কিসি রে, তো এসা মান মেরে কো এসা মান। A few moments later. डिप्रेशन में किसी और चीज के लिए बोला, डिप्रेशन याद है ना, 1+ चोरी हो गया, मैं दिया था ये देखो, इसी भाई का 1+ चोरी हो गया, डिप्रेशन ब्रो। क्या बोला, चोरी एकदम यूज नहीं कर पाएगा, सिम लगाएगा तो बात कर देगा, इतना शर्माता है ना, देख रहे हो,
हुआ नहीं तो देख रहे हो पूरा प्लेट भर गया है अभी पूरा खतरनाक खालते अभी पूरा केक वेक बर्थडे में तो बिना केक का कुछ होता ही नहीं है पूरा बिंदास खा लेते हैं। तो गाइस फिलहाल तो अभी घर में आ चुके हैं एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने भी नहीं बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने भी नहीं बोलूँगा इस वीडियो में बस हो सके तो थोड़ा शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए टाटा बाय बाय और टेक केयर।